तो सारे आपके पास स्पेशल क्या चीज़ें बनी होती हैं थोड़ा बता दो, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको पता चले। जी हमारे पास होते हैं भैया ये दाल चने, दाल माश, स्पेशल हमारे पास मटन होता है ताज़ा फ्रेश बकरे का। तो ये जो गोश्त होता है ये आप स्पेशल लेकर ये आते हो जो? नहीं, हम बकरा लेके आते हैं, बकरे को ज़िबा करते हैं, उनका बना के खुद बनाते हैं अपने हाथ से। ठीक, तो उस्ताद जी ये क्या चीज़ बना ये थोड़ा बताओ। ये मटन कढ़ाई है जी, हमारी स्पेशल हो गई, स्पेशल मटन कढ़ाई, फ्रेश और ताज़ा है ये। ताज़ा गोश्त है। ये देखो नरिया डाल के देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दोस्तों माशाल्लाह देखो कितना अच्छा फ्रेश गोश्त है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास कीमा और होता है चाँप होती है। अच्छा, पाकिस्तान की मशहूर डिश चाँप, यानी सियालकोट। अगर किसी ने चाँपे खाई है तो वो भी मिल सकते। माशाल्लाह, तो बारबेक्यू के अंदर और क्या चीज़ है, यानी किसी कबाब या अभी वो बना रहे हो? वो अभी बनाया नहीं है, अभी बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को दबा लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। तो लव दोस्तों देखो माशाल्लाह पाकिस्तानी रोटी लग रही है। ओए होए होए बनी है ना उस्ताद, क्या बात है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक पाकिस्तानी होटल है इधर रास्ते में। ठीक है, बहुत फेमस होटल है इधर का। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इनके पास क्या स्पेशल चीज़ें बनी हुई हैं। और ये मक्का जद्दा वाला रोड है सामने। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ट्राला खड़ा करने के लिए जगह है इधर, पार्किंग का इंतज़ाम फुल है। ठीक है, ये अलदरीस का पम्प है। ठीक है, अलदरीस का पेट्रोल पम्प है ये। और ये सामने मक्का जद्दा वाला रोड गुजर है, मक्का जद्दा हाईवे। ठीक है, अगर किसी ने इधर आना है तो इस जगह का नाम है अल रवैदा। और ये सामने जो रोड गुजर रहा है ये मक्का जद्दा वाला रोड है। ठीक है, तो ये होटल का नाम है। ठीक है, मताम, ये होटल का नाम है मताम सलाम पंजाब। ठीक है, आगे अरबी में लिखा हुआ है, खुद पढ़ लें, ये होटल का नाम है। ठीक है, और अगर किसी कोई फैमिली के साथ आता है तो फैमिली के साथ भी बैठ सकता है। तो अभी चलते हैं होटल के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ इनके पास क्या क्या स्पेशल चीज़ें बनी हुई हैं। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, हर चीज़ A1 है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, तो मैं अभी अंदर चलता हूँ और इनके जो खाने हैं स्पेशल वो खाते हैं, फिर आपको रिव्यू देते हैं कि क्या इनका कैसे हैं खाने। ठीक है, तो माशाल्लाह सफाई का देखो कितना अच्छा सिस्टम बना हुआ है। ये देखें, ये इंटरेस्ट है, ये टेबल भी लगे हुए हैं, अगर किसी ने टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाना है तो वो भी खा सकता है। ठीक है, और माशाल्लाह देखो सफाई, हर चीज़ A1 है। ठीक है, उस्ताद अपना नाम थोड़ा बता दो, क्या नाम है? मेरा नाम जी सैफ रहमान है। सैफ रहमान, कितना टाइम हो गया है सैफ भाई आपको ये काम करते? मुझे जी 10 साल हो गए। 10 साल, माशाल्लाह, अभी लगाओ तड़का, देखते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा ब्रेक डालेंगे इसमें। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है यार? ये फार्म। अच्छा, तो दोस्तों ये देखो माशाल्लाह दाल माश तैयार हो रही है। ठीक है, और पाकिस्तानी दाल माच है लंबी। ठीक है, आप चेक करें, सब्ज़ मिर्चें माशाल्लाह।
तो उस्ताद जी, और आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं स्पेशल? हमारे पास पाकिस्तानी खाने होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक शोया फार्म होता है, सऊदी खाने भी होते हैं। ये जो सऊदी खाते हैं जी, सऊदी अल्फाम भी होता है, शोया भी होता है, रुख बुखारी भी होता है, रोज़ा बियत भी होता है, चाय दूध वाला सब कुछ हमारे पास खाने होते हैं। ठीक हो गया, आप इंशाल्लाह आएँ, आपको मज़ा आएगा खाने का। ये दाल माश रेडी हो गई है, देखो। देखो उस्ताद कैसे रोटी लगा रहे हैं भाई। ये सेम पाकिस्तान वाला रोटी है। तो दोस्तों, अगर किसी ने सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी खाने खाने हैं, ठीक है, तो आप इस जगह में आओ, माशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अभी मैं भी इनके खाने ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताते हैं इनके खाने कैसे हैं। माशाल्लाह इस होटल का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना। इधर आओ, अभी आपको चावल खाते हैं। तो ये क्या है उस्ताद जी? ये जी चावल है। ओए होए होए, ये अभी है इसको, ये सऊदी खाते हैं, ये खबसा है, ये खबसा है। ठीक, माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये देखो कितने लंबे चावल हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी ये चावल खाता हूँ मैं भी, और आपको दिखाता हूँ ये चावल कैसे हैं और इनका टेस्ट कैसा है। ठीक, लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? तो सुनाओ, खाना कैसा है? अच्छा है, आप हर रोज इधर ही खाना खाते हो? आप ड्राइवर हो? माशाल्लाह अच्छा खाना होता है इनका। सर, अपना थोड़ा तारफ कराए, आपका नाम क्या है? मैं, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, सियालकोट से मैं बोल करता हूं। अच्छा जी, तो शफीक भाई, आपके पास कोई फैमिली आती है तो फैमिली बिठाने के लिए आपके पास जगह है? यानी अलहदा जगह है? ठीक, तो दोस्तों अगर कोई फैमिली के साथ आता है तो माशाल्लाह उसके लिए भी बैठने के लिए जगह है, ठीक है ना, अरेंज है, ठीक है, कोई मसला नहीं। कोई फैमिली के साथ आ रहा है उम्रा करने के लिए तो इस जगह में स्टॉप करो, माशाल्लाह आपको मज़ा आएगा खाना खाने का। 10 किलोमीटर पहले ये होटल है, ठीक है, ये पंजाब सलाम है, ठीक, ठीक है। और दूसरा होटल मेरा हमियात यानी कि जद्दा रोड पे है, यानी कि रियाज रोड पे, रियाज रोड से जो यानी जो बंदा मक्का से आ रहा है वो उधर स्टॉप कर। पंजाब होटल है उधर, पंजाब होटल जी। तो अगर सुबह आपके पास नाश्ते में क्या चीज़ें होती हैं? नाश्ते में होती है निहारी होती है, और पाया होता है, और आमलेट शुक शुका जो भी होता है ये सब, ठीक। और अगर कोई रात को आता है, अगर किसी ने कोई रात को आ रहा है यानी रियाज से निकला 4-5 बजे, तो रात को आपके पास नंबर दिया हुआ है, लेकिन कोई कॉल करेगा मैं उसका वेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। तो शफीक भाई, थोड़ा इस जगह का बता दो, ये कौन सी जगह पे होटल है आपका? ये भाई साहब रवेदे से पहले 10 किलोमीटर। अच्छा, महत्ता दरेस, यानी कि इसको शर्मिया भी बोलते हैं। शर्मिया भी बोलते हैं। तो शफीक भाई, इधर गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह है? पार्किंग बहुत बड़ी है इधर। अच्छा, पार्किंग का कोई मुश्किल नहीं है, पार्किंग बहुत ज्यादा बड़ी, ठीक, यानी अगर, और शुरते का बिल्कुल मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं, महालफे का कोई मुश्किल नहीं, तो जो गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो जो भाई ट्रक ड्राइवर है, ट्राला चलाते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है ना इधर। तो माशाल्लाह इधर ट्रक खड़ा करने के लिए बहुत खुली जगह है, मैं आपको बाहर जाके दिखा भी देता हूँ। और मैं भी इसी रोड में चलता हूँ, माशाल्लाह अच्छी पार्किंग है, छोटा गाड़ी भी खड़ा कर सकते हैं, ऐसे ही है भाई। और गाड़ी का इधर जो है ना, यानी के बिल्कुल टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं, शुरता महालफा नहीं देगा आपको। आप इस होटल में आओगे, शुरता आपको महालफा नहीं देगा। टेस्ट कर लो, 10 दिन बाद भी आओगे, 6 महीने बाद भी आओगे, साल बाद भी आओगे, टेस्ट वो ही रहेगा माशाल्लाह। टेस्ट का कोई जो है टेस्ट चेंज नहीं होगा माशाल्लाह। तो अभी ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नाम सुना है इस होटल का। मैं रियाज से आ रहा था तो मुझे दोस्तों ने बताया कि आप उस होटल में जाओ, तो अभी इनका खाना ट्राई करते हैं। आती है मेरे पास फैमिली, माशाल्लाह वो लोकेशन से नंबर निकालते हैं, मुझे कॉल करते हैं, उनको इधर लोकेशन भेजते हैं, वो इधर आते। ठीक, तो दोस्तों कोई जो भी बस से आ रहा है किसी जगह से, यानी रियाज से, दमाम से आ रहा है, तो लाजमी इस जगह में स्टे करो, माशाल्लाह आपको खाने का मजा आएगा। दादा बोलते हैं मर्चा मुख के साथ में, ये स्पेशल जो है ना, हाँ, ये ड्राइवरों के लिए, ड्राइवर हजरात है ना जो, हाँ हाँ, ये देखो उनके लिए, देखो दोस्तों कैसे इतनी महारत के साथ ये कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ओए होए। तो उस्ताद कितना टाइम हो गया आपको ये बनाते? मुझे 10 साल होने वाले हैं। 10 साल हो गए माशाल्लाह। दोस्तों देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी कढ़ाई बन रही है, ठीक है, ये इनका स्पेशल मटन कढ़ाई है इनकी, ठीक है ना, पाकिस्तान से मंगाए कारीगर, वो सब कारीगर पाकिस्तान से आए, इधर के जो रंग करने वाले हैं
वो इधर हम काम नहीं करते जो है ना स्पेशल पाकिस्तान से आए ठीक। तो दोस्तों माशाल्लाह पाकिस्तानी इंडियन बंगाली कोई भी किसी ने खाना खाना है आपको खाना मिलेगा, इंडियन पाकिस्तानी तो फेवरेट है ना, ठीक है ना। तो इनके पास अरबी खाने भी होते हैं, थोड़ा बताओ जो अरबी भी खाते हैं। खमसा ये शुआया फार्म ये सारा होता है, होता है जो अरबी शुआया खाते हैं या फार्म फार्म यानी कि बहारी रुस बहारी रुस अबियत यानी कि सब होता है ये मिलेगा तो साथ। ये क्या बांध रहे हैं? ये जी दाल माश है, अभी और ऑर्डर आया है, वो बना रहे हैं ड्राइवर के लिए। तो माशाल्लाह देखो ये दाल माश है सेम सेम पाकिस्तानी। दोस्तों माशाल्लाह देखो सैलेड कितना अच्छा बना है, साथ लेमन प्याज ये दाल माश है। तो अभी इनके खाने आपको ट्राई करके बताते हैं कैसे हैं। सलाद जी बिस्मिल्लाह करो बाबा जी। चलो जी माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है दाल माश का, सेम ऐसे जैसे आप पाकिस्तान में खा रहे हैं। अभी इनका ये जो मटन है ये भी ट्राई करते हैं ये कैसा है। दाल तो बहुत अच्छी बनी है ये बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह वेरी नाइस, बिल्कुल फ्रेश गोश लग रहा है सादी आप फ्रेश। दोस्तों माशाल्लाह खाना खाया बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपने भी इस जगह आकर खाना खाना है तो मैं आपको बाहर से भी इसका नाम बता देता हूँ और इस जगह का भी नाम बता देता हूँ, माशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अभी आपको जो फैमिली अगर किसी ने फैमिली के साथ आना है तो वो भी आपको दिखाते हैं फैमिली ने किस जगह बैठना है। तो लागू तो दोस्तों ये फैमिली सेक्शन है ठीक है, माशाल्लाह एसी उसी लगे ना आप देख सकते हैं, इधर फैमिली आके बैठ सकते हैं। ओ अगर इधर किसी ने बैठ कर खाना खाना तो अलग ये जगह बनी हुई है ये सेपरेट है सेपरेट है।